नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करना प्रवासियों को पड़ा भारी। कुवैत में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रवासियों को डिपोर्ट करने का फैसला किया गया। स्थानीय प्रशासन ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आयोजन करने वाले पहिल क्षेत्र में प्रवासियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। इन प्रदर्शनकारी प्रवासियों को कुवैत के कानून का उल्लंघन करने के कारण रिपोर्ट किया जाएगा। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई देशों में के नागरिक शामिल हैं। कुवैत के कानूनों के अनुसार कुवैत में प्रवासियों को धरना या प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद पहिल क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों ने इस कानून को तोड़कर प्रदर्शन किया। इसी पर सरकार की तरफ से संबोधित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। सरकार का तर्क है कि अगर इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके देश में रहने वाले दूसरे देशों के नागरिक कानून को अपने हाथ लेने लगेंगे। रांची हिंसा में बड़ा खुलासा, उसमें पैगंबर का वास्ता देकर जुटाई भीड़। रांची में हुई भारी हिंसा की साजिश की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आ रहा है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद की हिंसा और उपद्रव सुनियोजित थी। इसकी पटकथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लिखी गई थी। पत्थरबाजों में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल रहने की भी आशंका है। ऐसे में तथ्य सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट हो गई है। घटना के एक सप्ताह पहले से इस उपद्रव की साजिश चल रही थी। दो कारों के एक युवक का नाम सामने आ रहा है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एकत्र करने का संदेश फैलाया और पैगंबर का वास्ता देकर मस्जिद के बाहर जुटने की अपील की। इसके बाद लोगों के बीच चिंगारी भड़काई, नतीजा हुआ है कि शहर हिंसा की आग में जल उठा। अब इलाकों को सील कर पुलिस को नियंत्रित करना पड़ रहा है। इस साजिश में एक जामुमो कार्यकर्ता और पानी का कारोबार करने वाले का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी। धर्म परिवर्तन के जितेंद्र नारायण त्यागी बने उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अब डी कंपनी के निशाने पर आ गए हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने खुद को जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है। जितेंद्र नारायण त्यागी ने दावा किया है कि ये धमकी डी कंपनी के इकबाल कास्कर के भाई ने दी। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी ने कहा है कि इकबाल कास्कर के भाई ने उन्हें कई बार व्हाट्सएप पर कॉल किया। इकबाल कास्कर के भाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने धमकी देने वाले की व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाया और कहा है कि 3 दिन के अंदर हत्या कर दिए जाने की धमकी दी। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी का दावा है कि कल यानी 10 जून की देर रात करीब 11:30 बजे उनके फ़ोन पर कई बार कॉल आई, व्हाट्सएप पर कई कॉल्स आई तो रिसीव किया। फ़ोन कॉल करने वाले ने खुद को इकबाल कास्कर का भाई बताया और जान से मारने की धमकी दी। जितेंद्र नारायण त्यागी के मुताबिक फ़ोन कॉल करने वाले ने 3 दिन में हत्या करने की धमकी दी है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड को बिल्डर हाजी वसी कर रहा था फंडिंग। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जाफर हाशमी पुलिस रिमांड पर है। हयात जाफर हाशमी से पूछताछ में सामने आया है कि कानपुर का बिल्डर हाजी वसी फंडिंग कर रहा था। कानपुर कमिश्नर रेड पुलिस ने केडीए से 3 आरोपियों की संपत्ति सील की है। पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को चिन्हित किया है जिनकी कानपुर हिंसा में भूमिका भी थी या फिर घटना सहयोग किया था। पुलिस ने सलीम उस जानी वोकर हाजी वसी SH के मालिक की प्रॉपर्टी को सील किया है। बेगनगंज थाना क्षेत्र में स्थित यतीम खाना नई सड़क में बीते शुक्रवार 3 जून को हिंसा भड़क गई है। कानपुर हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों में बीच जमकर पथराव, फायरिंग, पेट्रोल बम चले हैं। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने ADS और पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हयात जफर हाशमी को बिल्डर हाजी वसी फंडिंग कर रहा था। राज्यपाल मलिक बोले, सिर्फ कुछ लोग मालदार हो रहे हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर हम समय रहते MSP पर कानून नहीं बनाए तो देश में किसानों और सरकार के बीच भयंकर लड़ाई होगी। मैं खुद अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूँ। किसानों के लिए 4 महीने बाद मैदान में उतर जाऊंगा। वह रविवार को जयपुर में रास्ते जाट संसद में बोल रहे थे कि मलिक ने अंबानी अंडानी पर भी निशाना साधा। बोले, अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जेल चलूंगा। अडानी और अंबानी मालदार कैसे हो गए? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि
रेलवे से प्याज सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं, हमारे देश में बिकने से रोकना होगा, जब हम बर्बाद हो रहे हैं तो पीएम बताए कि ये लोग कैसे मालदार हो रहे हैं। कारगिल में हो रही है बौद्ध यात्रा का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन। इन दिनों लद्दाख स्थित कारगिल जिला मुख्यालय के एक बौद्ध यात्रा चर्चा में बनी हुई है। इसका कारण यह है कि धर्मगुरु चोस्योंग पालगा रिनपोचे अपने अनुयायियों के साथ ये यात्रा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य कारगिल में एक विवाद स्थापित स्थल पर एक मठ का पत्थर रखना है। इस पर कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों में आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इसमें माहौल खराब हो सकता है। दरअसल कारगिल जिला मुख्यालय में बहुत मठ तक ये शांति यात्रा को लेकर तनाव जैसे हालत बन रहे। दैनिक राहुल की ईडी के सामने पेशी। राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ऑफिस में तीन अफसर पूछताछ कर रहे हैं। राहुल के साथ पैदल मार्च करने कांग्रेस मुख्यालय से निकलने कांग्रेस नेताओं को 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। वह सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरना दे रहे कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सूरजवाला समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल की पेशी के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उनके मिलने घर पहुंची थी। नेताओं को आगे नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी कार से प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंची। ईडी दफ्तर के पास 3 लेयर सुरक्षा घेरा है। पहले घेरे के पास भी पुलिस ने कांग्रेस को मार्च रोक लिया था। वह कार्यकर्ताओं की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। इससे पहले सोमवार सुबह राहुल गांधी की जांच के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय में हिरासत में ले लिया था। पुलिस कांग्रेसियों को बस में बिठा कर ले गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक का रास्ता सील कर दिया था। पबजी हत्याकांड में पुलिस आरोपी के एक दूसरे पर आरोप। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मर्डर करने वाले के नाम को लेकर पेच गहरा हो गया है। दरअसल पुलिस ने पहले कहा कि मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब पुलिस कह रही है कि बेटे आकाश नाम के इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का आरोप मढ़ रहा है। इस मामले में दो तरह के बयानों को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह आरोपी ने पुलिस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर महज 3 दिन में पुलिस की तरफ से 2 अलग-अलग तरह के बयानों में पूरी जांच पड़ताल भी संदेह के घेरों में आ गई है। पीजीआई के यमुनापुरम कॉलोनी में साधना सिंह की हत्या के मामले में किसी तीसरे किरदार के शामिल होने का शक बना हुआ। साधना के कत्ल की सूचना पुलिस को 7 जून की रात मिली। घर पहुंची टीम को 16 साल का बेटे गेट पर खड़ा मिला तो उनके आने का इंतजार कर रहा था। इधर साधना के पति नवीन के मुताबिक बेटे और पत्नी से 3 जून के बाद बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कई परिचितों और रिश्तेदारों को घर भेजा लेकिन किसी की आवाज लगाने पर बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। अब संदेह हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 7 जून को माँ की हत्या करने की जानकारी पिता नवीन को देने के बाद बेटा खुद गेट पर खड़ा होकर पुलिस का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस के पहुंचते ही पिस्टल दिखाया जिसमें उसने माँ का कत्ल किया था। आईपीएल मीडिया राइट्स के नीलामी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले 5 सीजन 2023 से लेकर 2027 के मीडिया राइट्स की नीलामी का सोमवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन तक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्र के मुताबिक पहले दिन रविवार को बोली की रकम 47,050 करोड़ रुपए तक थी। इसमें अभी तक इजाफा हो सकता है। इससे अधिक बोली किसने लगाई इसका खुलासा नहीं किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप के द्वीपों पर डिजिटल राइट्स के लिए वाईकॉम 18 स्टार और सोनी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। पहले 3 दिन में टीवी राइट्स प्रति 54 करोड़ रुपए तक लगाए गए थे। अब वह डिजिटल के राइट्स प्रति मैच में 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राइट जीतने वाली कंपनी के नाम की घोषणा आज हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि अब तक जो बोली लगी है उसके मुताबिक बीसीसीआई को आईपीएल के मैच की एवेज में 104 करोड़ रुपए मिलने तय हो गए हैं। इस तरह एक मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के हिसाब से आईपीएल अब दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग हो गई। आईपीएल ने ईपीआई 86 करोड़ रुपए प्रति मैच को पछाड़ा। अब इससे ज्यादा रकम सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग NFL को मिली है। NFL को हर मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए 133 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोमवार को आईपीएल की रकम में और इजाफा होना तय है। श्रद्धा कपूर का भाई हिरासत में। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धार्थ कपूर के बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने एमजी रोड स्थित होटल पार्क में पब में चल रही रेप पार्टी में रेड मारी थी। इस पार्टी में सिद्धार्थ बतौर डीजे बुलाया गया था। पार्टी में सिद्धार्थ समेत 6 लोग ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस मामले में उनके पिता ने अब बयान में कहा है कि केवल एक ही बात कह सकता हूं कि ये संभव नहीं है। बेंगलुरु सिटी इस डिवीजन डीसीपी डॉक्टर भीम शंकर ने बताया है कि मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सभी ड्रग्स लेकर पार्टी में आए थे या फिर होटल से ड्रग्स ली गई थी।
सभी आरोपियों को उलसूर पुलिस स्टेशन लाया गया है। ये थी अब तक की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।